ओके हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड मैं ये जो वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ वो अभी शाम हो गया है, शाम में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग से ना मुझे बैक में मसल स्ट्रेन हो गया, तो बहुत पेन हो रहा था, लाइक उठा नहीं जा रहा था। एंड नाउ लाइक इट्स नॉट ओके, बट लाइक ठीक है, थोड़ा बहुत पेन कम हुआ है। एंड अभी मिली आई नहीं है, तो आज का ज़्यादा वैसा कुछ प्लान नहीं है। तो आज रात में हम साफ सफाई करेंगे, सब लोग दिन में साफ सफाई करते हैं घर का, हम लोग रात में करेंगे। रात में इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा लाइक ठीक है घर को, क्योंकि यहाँ पे ना लिटरली मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग रहोगे ना लाइक नोएडा वगैरह में, नोएडा दिल्ली दोनों में, तो भाई साहब साफ करते करते आप लोग की हालत ख़राब हो जाएगी। मतलब इतना गंदगी, तो मिट्टी होता है यार, ऐसा होता है, इतना पॉल्यूशन है। बट दैट्स ओके। तो हम लोग एक्चुअली ये हमेशा संडे को करते हैं, बट कल का है पता नहीं, कुछ वाटर क्लीनिंग वगैरह समथिंग हो रहा है इस सोसाइटी में, तो कल पानी नहीं आएगा, तो इसलिए आज रात में ही हम लोग कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहती थी कि संडे को हमारा दिन बेकार सा हो, तो इसलिए। और रात का सही है ना, लाइक कल संडे भी है, तो आप रात में ज़्यादा वैसा बहुत टाइम लगने वाला नहीं है, बट जितना भी टाइम लगेगा हम लोग लगाएंगे। एंड वी विल डू दिस वक्त, सॉरी डिस्क्लेमिंग। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर हैविंग फॉर स्नैक, हमारा बिहारी स्नैक, क्या बोलते हैं मिली इसको, झाल मुड़ी, ये लीजिए। हाँ जी, हम भी खाएंगे, खाइए ना आप, ठीक है। हाय गाइस, सो दिस इज़ डे टू, एंड कल का कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि लाइक बैक पेन ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इसलिए। एंड टुडे इज़ 8th मई, एंड हैप्पी मदर्स डे टू मेरी मम्मी, टू माय मदर इन लॉ, सो लवली मदर इन लॉ, मेरी चाची बहन, वो तुम लोग को भी, क्योंकि तुम लोग भी लाइक always inspire me and always give me a good advice, ठीक है। तो हालांकि उसमें से मैं सारा ही नहीं लेती, बट फिर भी, so happy mother's day to all of you। and what else, like मैं क्या बोलूँ, है ना, mother's day पे, mother's day तो एक सिर्फ मदर्स डे के दिन ही मदर को स्पेशल फील नहीं करवाना है, एवरी डे मदर को स्पेशल डे फील करवाना है। क्योंकि पता है लाइक मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं घर पे, मतलब 12th में जब घर पे रहती थी ना, तो उस वक्त वो फीलिंग, वो अटैचमेंट ना नहीं हो, क्योंकि ऐसे भी लाइक लड़की को ना स्पेशली फादर के साथ तो होता ही है वो अटैचमेंट, बट जहाँ तक मदर का बात है तो मम्मी लोग से ना थोड़ा सा कम होता है, स्पेशली जब अगर भाई वाई हो तो घर में, तो ऐसा था। बट उतना वैसा कुछ नहीं था जब मैं बाहर आई ना पढ़ने के लिए, लाइक ग्रेजुएशन वगैरह के लिए, मतलब तब फील हुआ कि यार, मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, तब मेरा एक अलग सा कनेक्शन मम्मी के साथ हुआ। एंड देन जब शादी का टाइम हुआ तो और भी ज़्यादा कनेक्शन हुआ मम्मी के साथ, तो आई रियली मिस यू मम्मी। बट एट द सेम टाइम मैं एक और बात मैं रिवील करना चाहती हूँ कि मिली से शादी करने का डिसीज़न मेरा जो फर्स्ट एक होता ना कि लाइक क्या ऐसा देखा आपने कि शादी के लिए, मतलब अपलब प्यार हो गया ये वो, प्यार एक अलग चीज़ है, ठीक है। बट मेरा शादी का जो डिसीज़न था वो सबसे पहले मेरा यही बेसिस पे था, क्योंकि मुझे मिली की मम्मी बहुत पसंद है, मेरे मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है वो मुझे बहुत, सबसे ज़्यादा वो पसंद आई, इसलिए मुझे मिली पसंद आया। तो ये शादी का जो बुनियाद है वो मम्मी की वजह से ही है, तो मतलब सी इज़ ना सो एडमायरेबल। तो कूड़ा वाला कचड़ा उठा ले वो कड़ी पत्ता भी तोड़ के ले आना। ओके, सो एंड दोनों जो मेरी मम्मी है और जो मेरी मदर इन लॉ है, दोनों में एक जो बहुत सिमिलैरिटी है वो कि दोनों के फेस में आपको हमेशा स्माइल दिखेगा। एंड लाइक दे बोथ आर सो ऑप्टिमिस्टिक, लाइक उतना कोई भी चीज़ होता ना उसमें पहले नेगेटिव नहीं, कुछ पॉजिटिव चीज़ पहले देखते हैं, तो इस ये है। एंड व्हाट एल्स, सो हम लोग का लाइक आज का ब्रेकफास्ट हो गया है। भाई अकेले मत खाओ यार, देख रहे हो यही होता है पति, प्यार से पहले, शादी से पहले तो नहीं, पहले तुम खाओ, और अभी होता है कि तुम भाड़ में जाओ पहले मैं खाऊंगा, है ना जी।
ओके सो लाइक ब्रेकफास्ट में हम लोग ये फ्रूट्स खा रहे हैं एंड आज मिली का मन कर रहा था वड़ा पाव खाने का, तो मैं सोच रही थी हाँ मैं घर पे बना कर देखती हूँ कैसा बनता है, मैं आज वड़ा पाव ही बनाऊँगी एंड चलो फिर आगे चलते हैं वीडियो में क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके गाइस तो अब चलो वड़ा पाव बनाने का स्टार्ट करते हैं एंड जो सबसे पहले हम लोग हरा चटनी बनाएंगे, तो इसके लिए हमें लाइक ये ग्रीन चिली डाल दो, आपको जैसा तीखापन चाहिए उसके हिसाब से। मैं मेरा तो काफ़ी तीखा हो गया इसलिए थोड़ा कम ही डालना। देन ये अदरक है, अदरक को लाइक थोड़ा इस टाइप में काट लेना आप। देन एक टमाटर एंड बहुत सारा धनिया एंड इसमें मतलब सॉल्ट आप तक डाल देना एंड दही भी, दही मैंने थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि ये दही ना काफ़ी ज़्यादा खट्टा है इसलिए थोड़ा सा ही मैंने डाला। एंड देन नमक डालकर इसे अच्छे से फिर आप ग्राइंड कर लेना आप एंड हल्का सा पानी भी आप डाल देना, मतलब जैसा आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उसके हिसाब से। तो पीस लो आप एंड ये हमारा ग्रीन रेड चटनी रेड, और इसके साथ एक रेड चटनी भी होता है और पाउडर टाइप का होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए जो मैं लिख दे रही हूँ। एंड ये सभी को ना अलग अलग लाइक सैलो फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना एंड देन पीस लेना आप। ये उसका रेड चटनी बन गया, मिले टेस्ट करो। कैसा टेस्ट? बहुत बढ़िया। यू कंटिन्यू। मेरे पास ना सच में एक ऐसा इंसान है जिसको कुछ बना के दो ना दो कोई फायदा नहीं है, उसका एक ही रिएक्शन होने वाला है, तो आई एम रियली फेड अप ऑफ यू यार इस सब चीज में। चलो कोई नहीं, अगर आपको जानना है ये कैसे बनाए तो उसका रेसिपी मैं डाल देती हूँ, आप वो देख लो। अगर लाइक इसका टेस्ट ना हल्का हल्का आपको गन्ने के जूस के जैसा लगेगा, तो अगर आपको ट्राई करना हो तो यू कैन ट्राई। एंड मेरी हालत देखो कितनी ख़राब हो रखी है। वड़ा के बैटर के लिए हमें चाहिए बेसन, चाट मसाला, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, सॉल्ट और ये कश्मीरी लाल मिर्च। बैटर रेडी हो गया है एंड अब हम चल रहे हैं इसका और ये जो आलू होता है ना वो बना। फिर जब ठंडा हो जाए तो इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना एंड गोल गोल लड्डू टाइप सब बना लेना। देन बैटर में डालकर इसे फ्राई कर लो आप। देन पाव को हल्का सा मैंने बटर में भी सेक लिया है, उसमें फिर वो चटनी, ये जो आलू की टिक्की है डालकर एंड देन इसको आप ग्रीन चटनी जो आपने बनाया उसके साथ आप सर्व करो। जी तो वड़ा पाव बन गया एंड बिल्कुल मार्केट जैसा नहीं है बट टेस्टी है। कैसा लगा मिली आपको? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बढ़िया लगा मुझे आगे खाने। अच्छा है, मतलब जो हम लोग सेक्टर 12 में खाते वैसा तो नहीं है बट अच्छा, मतलब खाने लायक है ना, उससे अच्छा। ओके एंड यार क्या बोलूँ, इतना अब दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था ना, तो बहुत क्योंकि ये इसका जो स्पेशली जो रेड वाला चटनी होता है ना, पाउडर जो होता है, उसको बनाने में कितना मेहनत लगाया पता है, दूसरी तीसरी बार जाके थोड़ा सही नहीं मतलब काफ़ी सही बना है एंड सामान भी बहुत बर्बाद हुआ। मेहनत तो बोलो ही मत आप, क्योंकि क्या बोलूँ,
चलो कोई नहीं, अभी काफ़ी टाइम हो गया अब बनाते बनाते, तो अब मैं भी खाती हूँ एंड